देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक सीतापुर के दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें घटतौली के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने वहां मौजूद बिस्वा विधायक के द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर उखड़ गए। उन्होंने भाषा को ध्यान न रखते हुए कहा, जो विधायक अधिकारियों से रुपए लेता होगा वो जाने, मेरे ऊपर कोई साला आरोप नहीं लगा सकता। इस संबंध में भाजपा महामंत्री ने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं भी घटतौली की शिकायत है, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो सजगता से देखें। राज्य में जनपद में और कस्बों में कहीं भी घटतौली की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों को मैं जिले के लोगों से भी कहूँगा और ऊपर भी जो इसके वरिष्ठ लोग हैं उनको कहूँगा कि गन्ना के कांटों की लगातार जाँच पड़ताल होनी चाहिए ताकि घटतौली की स्थिति ना बने। तो आपकी तरफ से विधायक वगैरह के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने कहा कि घटतौली की जहां भी शिकायतें हैं उन शिकायतों की जांच करने के लिए संबंधित अधिकारियों को मैं भी कहूंगा, आग्रह करूंगा, और लगातार जो कांटे हैं उनको एक रूटीन के क्रम में चक्रीय अनुपात में उसकी जाँच होनी चाहिए। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाशों के अपमान का मामला सामने आया है। बताते चले, यहाँ पर एम्बुलेंस से शवों को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचाने की बजाय पीड़ित लोग उन्हें निजी मोपेड वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते इन परेशान लोगों को परेशानी के साथ ही भुगतान भी करना पड़ता है। इस बाबत जब स्वास्थ्य विभाग से बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है, अस्पताल के माध्यम से जब उन्हें सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो मजबूरी में उन्हें निजी मोपेड का सहारा लेना पड़ता है। सीतापुर के मिश्रिक में 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि पर स्थित 84 कोसी अरण्य क्षेत्र के नाम से सुविख्यात भगवान राम और महर्षि दधीचि की अटूट स्मृतियों को सहने वाला नगर मिश्रिक तीर्थ का 84 कोसी धार्मिक होली परिक्रमा आज प्रतिपदा तिथि से नैमिष चारायण में के चक्र तीर्थ में स्नान के उपरांत देश के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु धर्मार्थियों के साथ ही हाथी घोड़े पालकी आदि से संत महंतों मठाधीशों पीठाधीश्वरों द्वारा समूह के दौरान पहला आश्रम से डंका बजते ही राम धुनी के गगनभेदी जयकारों और रामनामी कीर्तन भजनों के साथ आरंभ हो गया है। महाराज जी, आप कितने वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ? 15-16 वर्ष पहले की व्यवस्था कैसी लगी और अब की इस वर्ष की व्यवस्था कैसी लग रही? नहीं, व्यवस्था तो धीरे धीरे सुदृढ़ होती जा रही है। पहले बहुत कुछ गड़बड़ था, आज बहुत कुछ अच्छा हो गया है। आने वाले दिनों में और भी अच्छा होता रहेगा तो यूपी के सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद से रेवसा रोड पर पेट्रोल पंप के निकट मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्राली ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार ट्रैक्टर के नीचे आ पहुंचा और तथा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर भाग गया। ग्रामीणों की सूचना पे मौके पे 108 नहीं पहुंची। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस के न आने से ग्रामीणों ने आनंद फानन में ऑटो से लेकर CSC अस्पताल महमूदाबाद इलाज के लिए उसे भर्ती कराया। उसके होश में आने से पूछताछ में उसने अपना नाम व पता रामकिशोर यादव पुत्र महेश प्रसाद ग्राम चांदपुर बाजार ब्लॉक रामपुर मथुरा जिला सीतापुर बताया। मोहली तहसील के गेट पर पूर्व राज्य मंत्री ने स्टॉल लगाकर पकौड़े बेचे। शिक्षित युवा बेरोजगारों ने देश के अध्यक्ष द्वारा शिक्षित युवाओं को नौकरियां न देकर चाय पकौड़ा स्टॉल लगाने की बात का विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ देश व प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर करारा कटाक्ष किया और स्वयं भी स्टॉल पर चाय पकौड़ा खरीदा व बेचा। वो तो चुनाव से पहले कहा था और अब जनता देख रही है कि चुनाव से पहले क्या क्या कहा था और चुनाव के बाद उनको क्या क्या मिल रहा है। ना चौकीदारी हो रही, ना रोजगार मिल रहा है, ना कानून व्यवस्था रोकी जा रही है, ना कोई एक भी वादा। जो ये हमने सड़कें बनवाई, आप खुद ही जहाँ देख रहे हैं वहीं के वहीं रह गए। उसमें गड्ढे हो गए, उनके गड्ढे नहीं पाटे जा रहे, नई सड़कें।